ये अपनी किताब है अनलॉक लक एंड वेल्थ विद द कीज ऑफ धर्म। तो इसका सेकंड पार्ट जो इसका सीक्वल है वो होपफुली अप्रैल मंथ में आ जाना चाहिए। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। मैंने अब कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसका सेकंड पार्ट जो है हम नेक्स्ट मंथ में रिलीज कर लें। इवन कुछ कुछ बुक्स का मैं सेकंड पार्ट अब रिलीज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये बुक फर्स्ट है जिसका कि हम सेकंड पार्ट हम निकाल रहे हैं। सेकंड मतलब ये आ जाएगा ऑलमोस्ट बाय एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ। हो सका जल्दी तो जल्दी कोशिश रहेगी। तो इस बुक में मतलब जो मैंने जो इसके अंदर रखा हुआ है वो शुक्र को कैसे डिकोड करते हैं ना भृगुनंदी नाड़ी से, तो वो इसके अंदर सम्मिलित है। दूसरा इसके अंदर इंदु लगन को कैसे देखते हैं, ठीक है, क्योंकि वेल्थ के प्रॉमिस को देखने के लिए इंदु लगन से प्रॉमिस देखना बहुत जरूरी होता है। तो एक तो वो, दूसरा इसके अंदर जो है ना वेल्थ का प्रॉमिस नक्षत्र के थ्रू कैसे देखते हैं। अभी तक आज तक किसी भी किताब में ये तीनों का कॉम्बिनेशन नहीं है, इवन इंडिपेंडेंट भी नहीं है। मैं अपनी रिसर्च से इन तीनों टॉपिक को लेके मेरे आने का एक पूरी पूरी कोशिश है, और वो भी रिसर्च अपनी केस स्टडीज के साथ। तो कोशिश है मैं मैक्सिमम उसमें अपनी रियल केस स्टडीज डालूं, और देखते हैं कितना उसके अंदर हम डाल पाते हैं इस तरीके के सब्जेक्ट को। क्योंकि रहा तो थर्ड भी, मैंने इसका प्लान कर लिया है कि मैं इसका थर्ड पार्ट भी निकालूंगा। तो सेकेंड पार्ट ऑलमोस्ट मेरा जो है 70-75% रेडी है। अब बाकी हम रिमेनिंग पोर्शन पे मैं काम कर रहा हूँ। तो इसके अंदर नक्षत्र भी हैं, नक्षत्र के थ्रू वेल्थ का प्रॉमिस भी हम इस बुक में देखेंगे, उसके कुछ कॉम्बिनेशन और रूल्स देखेंगे, ठीक है। और इंदु लगन, तो ऑब्वियसली एक नया लगन को भी हम लेके मैं इस बुक में आ रहा हूँ। तो इस क्योंकि हर बुक में मेरे कोई ना कोई एक नया लगन की कोई ना कोई एक चर्चा रहती है। दूसरा इसको हम डिकोड करेंगे भृगुनंदी नाड़ी से, और शुक्र के ऊपर फोकस रहेगा क्योंकि शुक्र इज ऑल अबाउट लक्ष्मी जी, मनी, वेल्थ, ठीक है। तो वो शुक्र के साथ भृगुनंदी नाड़ी में कैसे देखते हैं, तो वो एक कोशिश है। और तो ये तो फर्स्ट एक मतलब न्यूज़ है कि आपको बताना कि होपफुली ये बुक जो है हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट मंथ में हम लेके आए।